गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रिंसिपल। इसके कंसेप्ट क्या है और वो कौन से प्रिंसिपल है जिस पे ये बेस्ड है। सो नेचर इज द बेस्ट ऑल मॉडल फॉर फार्मिंग सिंस इट डज नॉट हैव यूज एनी इनपुट नो डिमांडेबल अनरीजनेबल क्वांटिटीज ऑफ वाटर। एक बात बोली जाती है कि जो फार्मर है रेन का वेट क्यों करते हैं, बिकॉज जो रेन होती है ना उसमें 16 टाइप के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। कितने 16 टाइप्स के, ठीक है। तो अगर बात करें नेचर की, नेचर को एक बेस्ट रोल मॉडल माना गया है फार्मिंग के लिए, ठीक है। अकेली नेचर ऐसा कुछ कर सकती है जो कि हमें कुछ डालने की जरूरत भी नहीं है, और नेचर के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि उसको ख़त्म कर देती है। लाइक अगर मैंने हमने पढ़ा लास्ट क्लास में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जो हमने लास्ट में पढ़ा था ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले, उसमें हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल इंसेक्ट होते हैं जो कि फ्रेंडली इंसेक्ट होते हैं उसके, ठीक है, जो उसके बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं जो उनके लिए। वो क्या करते हैं, जो पेस्ट वहां पे आते हैं लाइक फंगस आ गया, कोई भी वायरल आ गया, कुछ भी आ गया, उनके अगेंस्ट क्या होता है एक अनदर उसका प्रीडेटर होता है, वो क्या करता है उसको खा जाता है, ठीक है। तो वो नेचर में अवेलेबल हैं, अगर हम उस चीज़ को ख़त्म ना करें तो ऑलरेडी हमें किसी पेस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, पूरा एंटायर सिस्टम बेस्ड ऑन इंटीमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल वे है। द सिस्टम डज नॉट बिलीव इन माइनिंग ऑफ सोइल ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट एंड डू नॉट डिग्रेड इट इन एनी वे फॉर टूडे नीड। आज की नीड के लिए, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर द सिस्टम डज नॉट बिलीव इन एनी माइनिंग। इस जो आपका सिस्टम है ना, जो पूरा ऑर्गेनिक सिस्टम है, वो किसी भी माइनिंग को नहीं बोलता है कि माइनिंग करो, न्यूट्रिएंट्स को डालो, आप कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। नेचर अपने आप उसको क्या कर देती है, अपने वे से पूरा कर देती है। नेक्स्ट अगर बात करें, द सोइल सिस्टम इज अ लिविंग एंटिटी, कि सोयल एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर पूरा एक लिविंग एंटिटी रहती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वहाँ पे, और उसके पास कैपेसिटी है कि वो पूरी पूरी फसल को, पूरी पूरी क्रॉप को क्या कर दे, ग्रो कर देगी। द सोयल लिविंग पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फर्टिलिटी ऑन अ सस्टेन्ड बेसिस एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड नर्चर्ड एट ऑल कॉस्ट। मीन क्या है कि जो सोयल की लिविंग पॉपुलेशन है, लाइक उसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनके पास कैपेसिटी है कि वो अपने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करते हैं फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, जो कि प्रोटेक्टेड वे में होती है और नेचुरल वे में होती है, नर्चर्ड वे में होती है, एट ऑल कॉस्ट, सभी कॉस्ट पे, ठीक है। द टोटल एनवायरमेंट ऑफ सोइल फ्रॉम सोइल स्ट्रक्चर टू सोइल कवर इज मोर इम्पोर्टेंट। टोटल एनवायरनमेंट का सोइल स्ट्रक्चर पे सोइल कवर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सोइल स्ट्रक्चर और सोइल कवर क्या है, सोइल स्ट्रक्चर तो हमें पता है कि ये हमारा सोइल स्ट्रक्चर है, ऊपर हमारा ओ होरिजन है, फिर हमारा ए होरिजन है, देन हमारा बी होरिजन है, देन हमारा रॉक होरिजन है। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर एंड द लेयर इज कॉल्ड होरिजन, ठीक है। एंड कवर, इस सोइल का जो कवर है, दैट इज ऑर्गेनिक लेयर कवर है ना, वो क्या है, मोर इम्पोर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर मोर इम्पोर्टेंट है और इसका कवर मोर इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है या नहीं है, ए लेयर प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मेन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, सो दीज आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये करना है, तो मेन प्रिंसिपल की बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग की, वो है टू वर्क एज मच एज पॉसिबल विद इन अ क्लोज सिस्टम। एक क्लोज सिस्टम के अंदर जितना पॉसिबल हो उतना वर्क करना है और लोकल रिसोर्सेज को निकाल के हमें क्या करना है, वर्क करना है। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जितना भी पॉसिबल हो एक क्लोज सिस्टम में वर्क करना है और लोकल रिसोर्सेज को निकाल के उसका क्या करना है, वर्क करना है। दूसरा, लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी सोइल को मेंटेन करना है टू अवॉइड ऑल फॉर्म ऑफ पोल्यूशन दैट मे रिजल्ट एग्रीकल्चर टेक्निक, जो कि पोल्यूशन को कॉज करते हैं, उन सभी को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है।
टू प्रोड्यूस फूड स्टफ ऑफ हाई न्यूट्रिशन क्वालिटी। हाई न्यूट्रिशन क्वालिटी का हमें फूड स्टफ प्रोड्यूस करना है, ठीक है। दूसरा, टू रिड्यूस यूज ऑफ फॉसिल एनर्जी। फॉसिल एनर्जी लाइक पेट्रोल डीजल, इनका हमें मिनिमम यूज करना है, उनको रिड्यूस करना है। टू गिव लाइफ स्टॉक कंडीशन ऑफ लाइफ दैट कंफर्म द साइकोलॉजिकल नीड। लाइफ स्टॉक कंडीशन को भी हमें ध्यान में रखना है और उसकी साइकोलॉजिकल नीड क्या है, उसे बायोलॉजिकल नीड क्या है, उसको पूरा करना है। टू मेक इट पॉसिबल फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर टू अर्न अ लिविंग थ्रू देयर वर्क एंड डेवलप देयर पोटेंशियली एज ह्यूमन बींग। उनको एज ए ह्यूमन बींग हमें पोटेंशियली उसको क्या करना है, डेवलप करना है, और एग्रीकल्चर के अंदर अर्निंग के लिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या करना है, अडोप्ट करना है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट इज मेन पिलर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। आर मेन पिलर की बात करें तो नंबर वन पिलर इज ऑर्गेनिक थ्रेशोल्ड स्टैंडर्ड। नंबर वन इज ऑर्गेनिक थ्रेशोल्ड स्टैंडर्ड। नंबर टू इज रिलेबल मैकेनिज्म रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर। नंबर थ्री इज टेक्नोलॉजी पैकेजेस, एफिशिएंट एंड फिजिबल मार्केट नेटवर्क, ठीक है। तो दिस फोर आर द ऑर्गेनिक फार्मिंग पिलर। ओके, नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो नंबर वन, हिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो इंडिया के अंदर प्रैक्टिस की जाती है वो थाउजेंड ऑफ ईयर से की जा रही है, ठीक है। आज से नहीं की जा रही, थाउजेंड ऑफ ईयर से इसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो ग्रेट इंडियन सिविलाइजेशन है, जो ग्रेट इंडियन जो पुराने सिविलाइजेशन थी वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ही डिपेंड थी। इंडिया एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेस कंडीशन था जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को ही करता था, जब तक ब्रिटिश वहाँ पे रूल नहीं आए थे। जब तक ब्रिटिश रूल नहीं आया था तब तक वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ही डिपेंड था, ठीक है। ट्रेडिशनल इंडिया की बात करें तो एंटायर इंडस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वाज प्रैक्टिस्ड यूजिंग ऑर्गेनिक टेक्निक्स। सभी ऑर्गेनिक टेक्निक्स से वहाँ पे प्रैक्टिस की जाती थी। वे द फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड वर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट। जहाँ पे जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड है वो प्लांट से ही ऑब्टेन किए जाते थे और जो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं उनसे ऑब्टेन किए जाते थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग वॉज अ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनमी। इफ एनीबडी टॉक आस्क यू, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनमी इज ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड काउ वर्शिप्ड एज सेक्रेड एनिमल फॉर गॉड। और जो गाय है, गाय को पूजा जाता था एज अ सेक्रेड गॉड एज टिल्डन, और आज भी पूजा जाता है। द काउ नॉट ओनली प्रोवाइडेड मिल्क बट प्रोवाइडेड बुल्लोक। ये ओनली मिल्क भी नहीं प्रोवाइड करती है, बुल्लोक भी प्रोवाइड करती है जो कि हम फार्मिंग के लिए यूज करते हैं, एंड डंग भी प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे लिए एज अ फर्टिलाइजर यूज करता है, हमारी क्रॉप के लिए एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शिफ्ट टू केमिकल फार्मिंग, हमारा इंडिया कब इंडिया जो शिफ्ट हुआ केमिकल फार्मिंग पे, तो 1960s के अंदर, 1950 टू 1960 के टाइम पे क्या हुआ था, इंडिया की पॉपुलेशन क्या करने लगी, इंक्रीज करने लगी, ठीक है। और वहाँ पे काफ़ी सारे नेचुरल क्लाइमेटीज भी आए जिसकी वजह से इंडिया के अंदर काफ़ी फूड की क्या हो गई, स्कैर्सिटी हो गई, काफ़ी कमी हो गई, ठीक है। इसलिए जो गवर्नमेंट है उसको उसने क्या किया, फूड को इंपोर्ट किया फॉरेन कंट्री से, ठीक है। टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी द गवर्नमेंट हैड टू ड्रेस्टिकली इंक्रीज फूड प्रोडक्शन इन इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे जूझ रहा था कि अभी मुझे बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, बट इंडिया गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया था कि मुझे अब इंडिया के अंदर ही इतनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर लेनी है कि मुझे और कंट्री से मांगना ना पड़े। बिकॉज जब उन्होंने बाहर से फूड एक्सपोर्ट करवाया तो अदर अदर कंट्री ने उनसे बहुत ज़्यादा उनसे रेट्स लिए, बहुत ज़्यादा पैसा लिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, वहाँ पे ड्रेस्टिकली क्या किया, इंक्रीज कर दिया फूड प्रोडक्शन को इंडिया के अंदर, ठीक है। जिससे क्या हुआ, एकदम से प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, एकदम से प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो उस टाइम पे क्या हो गया था, ग्रीन रिवोल्यूशन। तो दिस इज अ मेन पॉइंट। तो 1960 के टाइम पे क्या आया था, ग्रीन रिवोल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ग्रीन रिवोल्यूशन किसके अंडर हुआ, किसके स्वामित्व में हुआ, डेट इज एम एस स्वामीनाथन।
एम एस स्वामीनाथन के अंडर ये उसके नेतृत्व में क्या हुआ था, ग्रीन रिवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप, इसका जो लीडर था वो कौन था, एम एस स्वामीनाथन, बिकम द गवर्नमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम इन 1960। तो लीडर बना उसका, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्लान था दैट इज ग्रीन रिवोल्यूशन। सेवरल हेक्टेयर ऑफ लैंड वर बोट अंडर कल्टिवेशन, काफ़ी सारे लैंड को कल्टिवेशन के अंडर लगा दिया था। हाइब्रिड सीड को प्रोड्यूस किया गया, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को रिप्लेस कर दिया केमिकल फर्टिलाइजर से, लोकल पेस्टिसाइड को रिप्लेस कर दिया केमिकल फर्टिलाइजर से, ठीक है। तो जिससे एकदम से प्रोडक्शन में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है। लार्ज केमिकल फैक्ट्री सच एज राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर वर एस्टेब्लिश, उस टाइम पे जो राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर थे वो एस्टेब्लिश हुआ। उससे पहले बिफोर द ग्रीन रेवोल्यूशन लोगों को डर था, पुअर इंडियंस को डर था कि वो हंगर से मर ना जाए, ठीक है, वो मर ना जाए 1970 के अंदर। इट इज वॉज फियर दैट मिलियन ऑफ पुअर इंडियन हुज डाई ऑफ हंगर इन मिड ऑफ 1970। हाउएवर विद इन अ फ्यू ईयर द ग्रीन रेवोल्यूशन हैड शोन इट्स इम्पैक्ट, कुछ ईयर्स के अंदर 1917 तक जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसने अपने इफेक्ट दिखाने स्टार्ट कर दिए, इम्पैक्ट दिखाने स्टार्ट कर दिए। द कंट्री विच ग्रेटली रिलाइड ऑन इम्पोर्ट फॉर द फूड सप्लाई रिड्यूस द इम्पोर्ट एवरी पासिंग ईयर, हर जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे जो इंडिया है अपना इम्पोर्ट कम करता गया, बिकॉज इंडिया के अंदर प्रोडक्शन क्या होने लगा था, इंक्रीज होने लगा था, बिकॉज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल फर्टिलाइजर। इन द 1990s इंडिया है सरप्लस फूड ग्रेन, उसके पास एक सरप्लस फूड ग्रेन आ गया 1990 तक, एट वंस अगेन बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये एक ऐसा कंट्री बन गया जो इतना कैपेबल था कि उसके पास खुद का सब कुछ था, उसके अलावा वो उसके पास हिम्मत थी कि वो अदर कंट्री में भी क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है। इस टाइम पे क्या हुआ, एक्सक्लूसिवली डिपेंड हो गया जो इंडिया है किस पे, केमिकल फार्मिंग पे, जो कि इसके डार्कर साइड को शो करने लगा, ठीक है। द लैंड इज लूजिंग इट्स फर्टिलिटी, जो लैंड है अपनी फर्टिलिटी क्या करने लगी, रिड्यूस करने लगी, ज्यादा फर्टिलाइजर की डिमांड करने लगी हर सीजन के अंदर, ठीक है। पेस्ट आर बिकमिंग इम्यून टू पेस्टिसाइड्स, जो पेस्ट हम पेस्टिसाइड जो पेस्ट हैं, पेस्टिसाइड डालते गए वो उनके इम्यून सिस्टम में आता गया, वो और ज़्यादा स्ट्रोंग होते गए, फार्मर को और ज़्यादा वो क्या हुआ, कॉस्टलियर पड़ता गया, और इन्वायरमेंट को क्या करता गया, ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज करता गया। इस इंक्रीज से कॉस्ट ऑफ फार्मिंग से क्या हुआ, ट्रैप हो गया था मनी लेंडर्स के अंदर। लेंडर्स क्या होते थे, जो कि वो जो फर्टिलाइजर के थ्रू जिनके पास उनका फर्टिलाइजर जिनके पास आते थे, जिनके थ्रू फर्टिलाइजर उनके पास आता था, तो उनके जो इंक्रीज होने लगे फार्मिंग कॉस्ट, तो जो उनका फार्मिंग का सारा पैसा ना लैंडर के पास फंस गया था, ठीक है। तो ये हमारे डार्कर साइड थे किसके, ग्रीन केमिकल, केमिकल जो फार्मिंग थी, केमिकल फार्मिंग कब शिफ्ट हुआ, किसने नेतृत्व किया, सारा कुछ यही था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, तो आज हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मूव करेंगे, ओके।